टॉपिक कॉल्ड ऑफ कोर्स द मीटिंग, और मीटिंग हम शुरू करेंगे सेक्शन नंबर 96 से लेकर के अकॉर्डिंगली 122 का पोर्शन हम अभी देखेंगे। नो डाउट इतना एक ही दिन में नहीं देखेंगे, टाइम लगेगा हमको, आराम आराम से देखेंगे, बट हम ये हमारा मीटिंग का कंसर्न है, सही है। चलिए शुरुआत करते हैं, सब अपने अपने बुक्स में निकाल लीजिए मीटिंग चैप्टर निकाल लीजिए, और इस चैप्टर का हमारा जो कंप्लीट टारगेट है 25 मार्क्स, ऑलमोस्ट हमारा 25 मार्क्स का एक टारगेट लेके चलो, 20 to 25 मार्क्स, एक अच्छा खासा पोर्शन कंप्लीट करेगा ये। एंड वी शुड बी स्टार्टिंग दिस टॉपिक कॉल्ड हियर मीटिंग, एंड सबके बुक में मिल गया, मेंबरशिप के बाद देखना, थोड़ा सा पहले है शायद, इट्स 12.1 या 10.1 से देखो, 10.1 चलिए शुरुआत किया जाए। रेडी है सब कोई मीटिंग करने के लिए? बिल्कुल बेसिक बिगनिंग से चलो, सबसे पहली बात बताओ कि मीटिंग होती क्या है, किस चीज़ को मीटिंग करते हैं। तो आपस में मुलाकातें, क्यों आपस में मिलना, बिकॉज सब अलग अलग होते हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स सब साथ थोड़े ना रहते हैं, या मेंबर की बात करो तो सारे मेंबर साथ थोड़े ना होते हैं। तो जब भी कोई फैसला लेना होता है तो सबका साथ होना बहुत ज़रूरी होता है, और नेचुरली इसी पर्पज़ से मीटिंग बुलवाई जाती है। अच्छा, कई अगर तुम फ्री छोड़ दो तो लोग टेलीफोन के ऊपर बातें करने शुरू कर देंगे और टेलीफोन के ऊपर ही फैसले लेने शुरू कर देंगे कि भाई आप रेडी हैं, आप भी रेडी हैं, ठीक है हम इस डिसीजन को लेते हैं। लेकिन कहते हैं कि बस आपस में मिलोगे, मिलके बातें करोगे तो कई सारी नई बातें सामने आ सकती है, नई समस्याएं आ सकती है, समस्याएं का समाधान आ सकता है, सॉल्यूशन आ सकता है। तो इस वजह से आपस में मीटिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो आपस में मीटिंग प्रॉपरली होते रहे तो कंपनी एक्ट ने सेक्शन 96 से 122 तक इनकॉर्पोरेट किया, और इसको कहा कि ये जनरल मीटिंग है, दैट वुड बी कॉल्ड व्हाट, जनरल मीटिंग। 96 से 122 तक इनकॉर्पोरेट किया एंड दिस थिंग इज कॉल्ड व्हाट, जनरल मीटिंग। और 173 से 175 तक इनकॉर्पोरेट किया, इसको कहते हैं बोर्ड मीटिंग। अगर हम जनरल मीटिंग की बात करें तो जनरल मीटिंग में बहुत नेचुरल से फैक्टर है, जनरल मीटिंग में मेंबर्स की मीटिंग होती है, मींस हु विल कम इनटू द जनरल मीटिंग, मेंबर्स, शेयरहोल्डर। और अगर हम बोर्ड मीटिंग की बात करें तो इसमें डायरेक्टर्स आएंगे, इसमें डायरेक्टर आएंगे। तो हमारा जो कंसर्न है अभी का, ये मेंबर्स की मीटिंग, ये एक मेंबर की मीटिंग का है, और हम इसी मेंबर की मीटिंग को फोकस करेंगे। ये अभी हमारा कंसर्न अभी नहीं है, 173 टू 175 यानी कि बोर्ड मीटिंग, ये हमारा कंसर्न नहीं है। हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे मीटिंग का, बस यूं कहो हम पढ़ेंगे नहीं, हम जो इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स आती हैं मीटिंग को लेकर के, हम उसको टैकल करेंगे, उसको टैकल करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मीटिंग की नोटिस भेजनी है, कैसे भेज सकते हैं, क्या व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं, टेलीफोन के थ्रू भेज सकते हैं, कूरियर के थ्रू भेज सकते हैं, पोस्ट के थ्रू भेज सकते हैं, हमको जैसे लिखा हुआ है लॉ में वैसे भेजेंगे। मीटिंग के कितने दिन पहले भेजनी है, जैसे लॉ में लिखा हुआ है वैसे भेजेंगे। मीटिंग करेंगे कैसे, पॉसिबली 100 मेंबर हैं, 10 आए, क्या मीटिंग करें,
मेंबर अगर नहीं आ रहे हैं तो अपने जगह किसी और को भेज सकते हैं। तो ये सारी जो समस्याएं होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, हम उनकी समाधान करेंगे और इसी बातों पर हमारा ज़्यादातर फोकस होगा। तो हम पूरी की पूरी मीटिंग चैप्टर शुरुआत करते हैं, और मैंने तुमको मीटिंग का कंसर्न बताया कि मीटिंग जब भी हम बात कर रहे हैं देन वी हैव गॉट द टू काइंड्स ऑफ मीटिंग। मीटिंग हमारे पास दो तरह की है, वन इज द एजीएम एंड द सेकेंड वन इज ऑफकोर्स ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। मैं यहाँ पे जनरल मीटिंग की बात कर रहा हूँ, वी हैव गॉट द टू काइंड्स ऑफ जनरल मीटिंग। द फर्स्ट वन इज ऑफकोर्स द एनुअल जनरल मीटिंग एंड सेकेंड वन इज ऑफकोर्स द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। हम इन्हीं दोनों बातों को फोकस करेंगे, कंप्लीट पढ़ेंगे। दिस इज द पॉइंट कॉल्ड हियर, एजीएम पढ़ेंगे और हम ईजीएम पढ़ेंगे। इन दोनों मसलात को हम प्रॉपरली देखेंगे। दिस वन एजीएम पे हम दो सेक्शंस को देखेंगे, ध्यान रखिएगा, सेक्शन नंबर 96 और सेक्शन नंबर 97। 96 में एजीएम कंपनी बुलाएगी, एजीएम कॉल्ड बाय कंपनी, और 97 में एजीएम कॉल्ड बाय एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बुलाएगी। ऑफ कोर्स एनसीएलटी को बुलानी है, एनसीएलटी बुलाएंगी। और हम ईजीएम के बारे में पढ़ेंगे, और ईजीएम के बारे में हम दो प्रोविजंस यहाँ ईजीएम पे ही पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 98 और सेक्शन नंबर 100। यहाँ कहते हैं ईजीएम कॉल्ड बाय एनसीएलटी और ईजीएम कॉल्ड बाय कंपनी और मेंबर्स, मैं पूरे चैप्टर को ले रहा हूं और मैं जितनी भी बातें लिख रहा हूं बोर्ड पे वो सारी बातें नोटिंग जरूर करोगे बुक पे, बिकॉज फ्लो चार्ट्स डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन दैट यू नो। मैं फिर से आपको सेक्शन रिपीट कर रहा हूँ, हम सेक्शन 96 और 97 में एजीएम पढ़ेंगे और सेक्शन 98 और 100 में एजीएम पढ़ेंगे। मैं तुम्हें एक बार बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ एजीएम और ईजीएम में क्या अंतर है, मैं थोड़ा इस मुद्दे को क्लियर कर दूँ पहले तुम्हारे साथ। जस्ट नोट डाउन दिस पॉइंट एट फर्स्ट, आई एम जस्ट मेकिंग द डिफरेंसेज क्लियर बिटवीन ऑफकोर्स द एनुअल जनरल मीटिंग एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। लेट मी क्लियर द डिफरेंसेज। देखिए यार ध्यान से, यहां देखिए एजीएम कहते हैं एनुअल जनरल मीटिंग, और ईजीएम कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अब एक बात सुनिए ध्यान से, कंपनी के लिए मैंडेटरी होती है साल में एक मीटिंग बुलवाना, बिकॉज कुछ ऐसे वर्क होते हैं जिनको क्लियर करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल, क्या प्रॉफिट का हिस्सा मेंबर को देना है, देना है तो कितना देना है, मतलब डिविडेंड की डिक्लेरेशन। सेकंड, एक बात और बड़ा रिलेवेंट है, डिविडेंड की डिक्लेरेशन के अलावा ऑफ कोर्स अकाउंट्स को कंसीडर करना, मतलब बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन के तैयार है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उसको अप्रूव कर दिया है, अब उसको एजीएम
जनरल मीटिंग अडॉप्ट करेगी। तो हम सेकंड थिंग कहते हैं अकाउंट्स की कंसिडरेशन। और एक बात और इम्पॉर्टेंट होता है कि कंपनी में कुछ डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो रोटेशनल होते हैं, मतलब जिनको हर साल रिटायर हो जाना पड़ता है, हटना पड़ता है, तो उनके जगह नए डायरेक्टर को अपॉइंट करना ये भी एक नॉर्मल वर्क होता है, दैट इज़ द डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट, सही है। और ऐसा भी होता है समटाइम्स कंपनी में ऑडिटर्स हर साल अपॉइंट होते हैं, जैसे तुम पढ़े हो ऑडिट चैप्टर में कि ऑडिटर्स 5 ईयर्स में एक बार अपॉइंटमेंट होती हैं, बट गवर्नमेंट कंपनीज ऐसी होती है जहाँ पे ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट हर साल होती हैं। और ऐसा भी होता है नॉर्मल कंपनी में अगर ऑडिटर की पोस्ट में कैजुअल वैकेंसी आ जाती है तो बोर्ड उसके जगह उस कैजुअल वैकेंसी को फिल आउट करती है, और जिस पर्सन की अपॉइंटमेंट हुई है वो ऑफिस कब तक होल्ड करते हैं, आने वाले AGM तक होल्ड करते हैं, और उस AGM में नए ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होती है। तो जो ऑडिटर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो मैटर्स होता है वो भी आपको AGM में करना होता है, दैट इज ऑल्सो बी डन इन टू द AGM। मीन्स दिस दादा DADA डिविडेंड डिक्लेरेशन अकाउंट कंसिडरेशन डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट एंड ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट को करने के लिए, मतलब इस काम को करने के लिए नॉर्मली कंपनी को हर साल एक AGM बुलाना पड़ता है, हमेशा एक AGM बुलाना पड़ता है। इसके अलावा अदर वर्क भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम इज देयर। यकीनन इसलिए कंपनी क्या करती है, AGM बुलाती है। साल में कितनी बार बुलाती है, एक बार बुलाती है। लेकिन अगर AGM की बात करें ना, तो AGM के अलावा मेंबर्स की जितनी भी मीटिंग होती है उन सारे मीटिंग्स को कहते हैं हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। इस मीटिंग के अलावा जितनी भी मीटिंग होती है हर मीटिंग को कहते हैं हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। चलिए, हमारा पॉइंट बहुत स्मूथली आगे बढ़ रहा है। हमने आपको AGM बताया क्या होता है और AGM बताया कि AGM क्या होती है। अब हम एक एक करके दोनों टॉपिक को पढ़ते हैं कि AGM क्या होती है, कैसे बुलानी है, कब बुलानी है और AGM कब बुलानी है। मैं इसके लिए आपको सेक्शन क्लियर कर दूं। AGM हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 96 में और सेक्शन नंबर 97 में हम पढ़ेंगे, और हम AGM की जब बात करते हैं AGM हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 98 में एंड सेक्शन नंबर ऑफ कोर्स 100 में। 98 में NCLT AGM बुलाएगी, 100 में कंपनी बुलाएगी, 96 में कंपनी AGM बुलाएगी, 97 में ऑफ कोर्स NCLT AGM बुलवाएगी। चलिए, हम एक एक प्रोविजंस को जब उठाएंगे तो उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को भी लेके चलेंगे, बिकॉज ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ही एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन करके पेपर में अक्सर आ जाता है। चलिए अब आते हैं सिचुएशन देखिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आइए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, सेक्शन नंबर 96, सेक्शन नंबर 96 के ऊपर आइए और 96 को देखिए। यहां कहता है, ध्यान दीजिएगा, एवरी कंपनी अदर देन ए वन पर्सन कंपनी, बेटर होगा मैं बुक आपके सामने रख दूं और यहां से एक्सप्लेनेशन में अच्छी तरह से दे सकता हूं आपको, ध्यान से दीजिए। सिर्फ हमारा फोकस अभी जो है इतने से लाइन पे है, बस इतना पहले समझ लो। एवरी कंपनी, सी वेन एवर आई एम सेइंग द एवरी कंपनी, इट मींस दैट इट्स पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, बोथ ऑफ द कंपनीज। अच्छा, वन पर्सन कंपनी प्राइवेट होती है या पब्लिक होती है, उसका स्टेटस क्या होता है? नॉर्मली प्राइवेट का होता है, लेकिन यहां पे वन पर्सन कंपनी को साइड कर दिया कि चलो वन पर्सन कंपनीज के लिए AGM की जरूरत नहीं है, इट्स एवरी कंपनी। यहां से पढ़िए, सेल इन ईच ईयर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉल्ड ईच ईयर? ईयर तो कैलेंडर ईयर भी होती है, फाइनेंशियल ईयर भी होती है, नहीं, और आज से शुरू होकर के अगले साल एक दिन पहले खत्म हो जाना ये भी ईयर होती है। ईयर कितने तरह की होती है? 3 तरह की। नंबर 1 कैलेंडर ईयर, नंबर 2 फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, और फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च। और एक और ईयर होता है जैसे आज से शुरुआत है, मतलब 15 मई से शुरू हो गई और अगले साल 14 मई को खत्म हो गई। तो यहाँ ईयर का मतलब क्या लेंगे? तो एक बात हमेशा बता दूँ, जनरल क्लॉज एक्ट को मैं रेफर कर रहा हूँ, जहाँ कहीं भी ईयर के लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है तो हम उसको सिंपली लेते हैं कैलेंडर ईयर, दैट इज ओनली द कैलेंडर ईयर। अब सुनिए, इन ईच ईयर, ध्यान दीजिएगा, होल्ड इन एडिशन टू एनी अदर मीटिंग्स ए जनरल मीटिंग एज इट्स एनुअल जनरल मीटिंग, और सेल स्पेसिफाई द मीटिंग एट सच इन द नोटिसेज
calling it. In the notices, calling it. Let me clear the point what is given on that, you know. यहां कहता है कि हर कंपनी हर साल एक जनरल मीटिंग बुलाएगी जिसको एजीएम कहेंगे. दूसरे जनरल मीटिंग के अलावा, जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी में तीन ईजीएम बुलाया था. एक बात ध्यान से रखिए, सुनिए, एक बात ध्यान से सुनिए, ध्यान सुनिएगा. कंपनी मार्च, मई, जून, सितंबर और नवंबर, यहां भी ईजीएम की, यहां भी ईजीएम की, यहां भी ईजीएम की, यहां भी ईजीएम की और यहां भी ईजीएम की. सुनिए ध्यान से, लेकिन एजीएम नहीं है. क्या कंपनी डिफॉल्टर है? क्या कंपनी डिफॉल्टर है? कंपनी का कहना है कि देखो साहब, ये जो मीटिंग हुई थी ना, इसको ईजीएम मत मानो, इसको ईजीएम मत मानो, ये एजीएम मानो. इसी को एजीएम मान लो तब लगेगा कि हम डिफॉल्टर नहीं है. हमने बोला कि भाई ऐसे कैसे एजीएम मान ले इसको. कंपनी के डायरेक्टर कहते कैसे नहीं मानोगे, हम इसमें डिविडेंड का डिक्लेरेशन का काम किए थे, हमने अकाउंट्स भी कंसीडर किया था, हमने डायरेक्टर्स की भी अपॉइंटमेंट की थी और हमने ऑडिटर्स को भी तो इसी में रिमूव किया, हटाया था, वो अपॉइंट किया था. तो ये जो ईजीएम है ना, उसको ईजीएम मत मानो, वो एजीएम है. हमने बोला आपने नोटिस में लिखा था कि वो एजीएम है, आपने मेंबर्स को पहले से बताया था कि वो एजीएम है. बोला था नहीं बताया तो क्या हुआ, मीटिंग में सारा वही काम किया जो एजीएम में होता है. अब बोल रहे हैं ये एजीएम है, तो एजीएम है. कैन दिस मीटिंग बी कॉल्ड एज कुछ द एजीएम? क्या कंपनी एजीएम ना बुलाने की डिफॉल्टर मानी जाएगी? इस प्रोविजन को एक बार फिर से ध्यान से पढ़िए. एवरी कंपनी अदर देन ए 1% कंपनी सेल इन ईच ईयर होल्ड इन एडिशन टू एनी अदर मीटिंग. मतलब जितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है उसके अलावा ए जनरल मीटिंग एट इट्स एनुअल जनरल मीटिंग. और देखना ध्यान से क्या कहता है, सेल स्पेसिफाई द मीटिंग एज सच इन द नोटिसेज कॉलिंग द मीटिंग. मीन्स दैट आपने नोटिस में नहीं लिखा था कि ये एजीएम है, नोटिस में नहीं लिखा था, लेकिन मेंबर आए, एजीएम सुन के ही आए और वही सारा काम किया है जो एजीएम में होती है. तो क्या तुम्हारी मीटिंग को एजीएम मानी जाएगी? नहीं, तुम्हारी मीटिंग फिर एनुअल जनरल मीटिंग कंसीडर्ड नहीं होगी. अगर एजीएम कंसीडर करवाना है तो आपको नोटिस में स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हमारी जो ये मीटिंग है वो कौन सी मीटिंग है, एनुअल जनरल मीटिंग है. आपको ये बात नोटिस में लिखनी पड़ेगी. क्या ये प्रोविजन प्राइवेट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है? बिल्कुल एप्लीकेबल है. क्या 1% कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है? बिल्कुल नहीं एप्लीकेबल है. कंपनी साल में 10 ईजीएम बुला ली, क्या उसी ईजीएम में से किसी को एक एजीएम स्पेसिफाई कर सकती है आज? बिल्कुल नहीं. एजीएम स्पेसिफाई करना है तो कब करना होगा, पहले या बाद में? पहले. जब नोटिस दिया है तो नोटिस में ही लिखना पड़ेगा. एक बात क्लियर कर दूं, एजीएम के नोटिस का फॉर्मेट और ईजीएम के नोटिस का फॉर्मेट, दोनों फॉर्मेट्स अलग अलग होते हैं. एजीएम के नोटिसेज में कुछ ऑर्डिनरी बिजनेस होती है, ईजीएम के नोटिस में ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं होती है. तो चलिए हम थोड़ा सा पॉइंट्स को और आगे बढ़ाते हैं और अगले प्रोविजंस को पढ़ाते हैं. देखो इसमें और क्या बातें कह रही है, तो कुछ बातें हम यहां और कहते हैं, सुनिए ध्यान से. यहां कहता है नॉट मोर देन 15 मंथ्स शैल एलप्स बिटवीन द डेट ऑफ वन एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ ए कंपनी एंड दैट ऑफ द नेक्स्ट. हियर इट सेज दैट दो एजीएम के बीच जो मैक्सिमम गैप होंगी वो कितने दिन का होगा? वो 15 महीने का होगा. मतलब इससे ज्यादा का गैप दो एजीएम के बीच नहीं होना चाहिए. मैं फिर से रिपीट करता हूं, दो एजीएम के बीच 15 मंथ्स से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए. दैट इज सच ए पॉइंट विच वी हैव टू स्पेसिफाई देयर. मैं आता हूं उस पॉइंट के ऊपर और अब इस पॉइंट को आपको बताता हूं, समझिए पॉइंट क्या क्या है. सुनिए ध्यान से, दो एजीएम के बीच के गैप, सुनिए ध्यान से. सपोज डैट हमारी कंपनी के जो एजीएम हुई थी, सपोज डैट हमारी एजीएम जो हुई थी वो 25 अगस्त 2018 को हुई थी. मींस एजीएम 2018. अब मेरी बात को ध्यान से सुना, केस वन. तो मुझे बताओ 2019 की एजीएम
वो कौन सा लास्ट डेट है जिस डेट तक हो जानी चाहिए ताकि हम डिफॉल्टर ना हो। 2019 का एजीएम, आई रिपीट, वो कौन सा लास्ट डेट है जिस डेट तक हो जानी चाहिए ताकि हमारा डिफॉल्ट ना हो। मैक्सिमम 15 मंथ्स, 24 अगस्त 2019 को 12 महीने कंप्लीट होगा, फिर सितंबर में 13, अक्टूबर में 14 एंड नवंबर में 15। इट मींस दैट 24 नवंबर 2019 अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, इधर आओ, इधर आओ, बच्चे हो क्या, दो नर्सरी में पढ़ते हो क्या, बैठे रहो चुपचाप, आएगा नहीं फिर देखते रहना, घूमते रहना फिर। हाँ, 25th अगस्त 2018 एंड 24th नवंबर 2019, अब इस पे ध्यान दीजिएगा आप, बड़े अच्छे से ध्यान देना, केस वन और केस टू पे, और यहां पे देखना डेट क्या लाया हमारे पास, हमारे पास डेट क्या आई है, एजीएम का ड्यू डेट क्या लिया तुमने, 24th नवंबर 2019। अच्छा, केस टू के ऊपर आइए, अब केस टू के ऊपर आइए, केस टू में ध्यान देना, अगर हमारा एजीएम का डेट 2018 का 25th नवंबर 2018 है तो 2019 के एजीएम का डेट बताइए क्या होगा, 2019 के एजीएम का डेट क्या होगा ये बताओ, 2019 के एजीएम का डेट बताइए कौन सा डेट होगा, 2019 के एजीएम का डेट 24th नवंबर, मैक्सिमम गैप कितने दिनों का होना चाहिए, 15 मंथ्स, तो यहां से ड्यू डेट बताइए, व्हाट शुड बी द ड्यू डेट ऑफ द एजीएम ऑफ 2019, इसने बोला 24th फरवरी 2020। अभी सुनिए, बहुत अच्छा कैलकुलेशन की, नवंबर 12 महीने कंप्लीट हो रही है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, लेकिन अगर तुम्हारा आंसर हम ले लेते हैं तो हमारा एक सबसे बड़ा डिफॉल्ट यहां हो जाता है कि एवरी कंपनी अदर देन 1% कंपनी सेल इन ईच ईयर, ईच ईयर का मतलब हुआ कि आपका यहां देखिएगा कि समस्या क्या क्या आ रही है कि 2019 में जो हमारा मैटर हो रहा है, यहां पे देखिएगा समस्या आपकी क्या आ रही है, इसके ऊपर ध्यान दीजिए, 2018 में तो आपकी एजीएम हुई लेकिन आपका 2019 में कोई मीटिंग नहीं हो रही है, तो ये आपकी सबसे बड़ी समस्या है। तो अब क्या करेंगे हम, बैकलॉग, तो व्हाट यू हैव टू से दैट 31st क्या दिसंबर 2019 लेते हैं तो फिर हमारा समस्या क्या होता है, सॉल्व हो जाता है, फिर हमारा समस्या समाधान होता है, दैट वुड बी द पॉइंट कॉल्ड हियर, देन दिस इज द केस वन एंड दिस इज द केस टू, बोलिए सही है, तो ये आंसर हमारा गलत हुआ और ये आंसर हमारा क्या हो गया, सही हुआ। अभी रहो, बाहर ही रहो, अभी नहीं आओ अंदर, अभी मिस हो गया तुम्हारा, अगली क्लास से आना, क्या कह रहे हो, अभी पढ़ लो और पढ़ाता हूँ, केस स्टडी और कराता हूँ पहले, फिर उसके ऊपर ला रहा हूँ मैं, सारे क्वेश्चन का समाधान करूँगा मैं, तुम सिर्फ एग्जाम्पल्स को नोट करते जाओ। अब देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर अब यहाँ ध्यान दीजिए, बढ़े आगे, अब देखिए जरा यहाँ पे आते हैं, बुक को उठाइए, गैप देख लिया हमने, इस पॉइंट को थोड़ी देर के रिजर्व रखते हैं, इस पॉइंट को, इसके ऊपर आइए पहले, मैक्सिमम गैप बिटवीन द एजीएम एंड फाइनेंशियल ईयर,
एक कंपेरेटिव स्टडी यहां भी है, एजीएम और फाइनेंशियल ईयर एंडिंग के डेट के बीच का मैक्सिमम गैप कितना होना चाहिए, एक बात ये भी आपको मैच करके चलनी है। तो कह रहा है फर्स्ट एजीएम है, देन इट शैल बी हेल्ड विद इन ए पीरियड ऑफ 9 months फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ व्हाट? क्लोजिंग ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। और अगर सब्सिक्वेंट एजीएम है ना, तो इट शैल बी हेल्ड विद इन ए पीरियड ऑफ हाउ मेनी डेज? 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। पहले मैं इस पॉइंट पे रहता हूं, तुम्हारे को पहले इस पॉइंट पे लाता हूं, मैं अभी सब्सिक्वेंट एजीएम की बात कर रहा हूं। तो कहता है फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग के 6 महीने के भीतर भीतर एजीएम होनी चाहिए, ये भी नहीं तो डिफॉल्ट हो जाएगा अगर बाद में किया तो। देखो, 3 चीजों को सेटिस्फाई करना है, हर कैलेंडर ईयर में एक मीटिंग होनी चाहिए एजीएम, 2 एजीएम के बीच जो मैक्सिमम गैप होगा कितने दिनों का होगा? 15 months, और फाइनेंशियल ईयर क्लोजर के 6 months के भीतर भीतर एजीएम होनी चाहिए। अब एक बात मुझे तुम ही सोच करके बताना, फाइनेंशियल ईयर क्लोजर का डेट कौन सा होता है? कितना? 31st मार्च। और 31st मार्च से अगर 6 months कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा? 30th सितंबर। लेकिन एक बात तो मुझे तुम बताओ, यहां पे तुमने यहां पे क्या गलती की है? मुझे उस गलती को सोच के बताओ, तुमने इस दूसरे क्वेश्चन में कुछ गलतियां की है, बताओ क्या गलती है? क्या ये डेट सही है? क्या तुमने जो ये डेट लिया है वो सही है? बताइए, ये डेट लिया है वो सही है? कैसे सही है? फाइनेंशियल ईयर का क्लोजर कब होता है? 31st मार्च को होता है। तुमने एजीएम कब कर रहे हो? 31st मार्च से 6 months के भीतर, यानी कि कितने दिन के भीतर एजीएम होनी चाहिए? 30 सितंबर के पहले पहले 30 सितंबर तक होनी चाहिए। लेकिन तुम कहाँ कर रहे हो? 31 दिसंबर। तो एक प्रोविजन तो तुमसे नाराज हो गया ना, वो तो कहा था कि भाई हम भी कहते हैं, मेरी भी बात सुनो, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने के भीतर भीतर एजीएम होनी चाहिए, और तुम तो 31 दिसंबर पे जा रहे हो, तो ये भी तो तुम्हारा गलत हो गया। तो तुम्हारा सही आंसर क्या होगा? 30th सितंबर 2019 वुड बी द राइट आंसर। 30 सितंबर 2019 जो है वो तुम्हारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। लेकिन एक बात बताओ सोच के, फिर सोचना, क्या ये आंसर तुम्हारा सही है? क्या तुम्हारा ये आंसर सही है? बोलिए, ये आंसर सही है हमारा? हमारा ये आंसर भी सही नहीं है। ये आंसर अगर सही नहीं है तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा बताओ, घबराने की जरूरत नहीं है। तुम सोच रहे हो कि सब में 30 सितंबर बोलेंगे तो जरूर गलत कर देंगे, यहां भी आंसर क्या होगा? 30th सितंबर ही होगा आंसर, यहां भी 30 सितंबर आंसर होगा। अब तुम बोलोगे फिर यहां क्यों गलती किया हुआ है, यहां मीटिंग कैसे हुई 24 नवंबर को? ये भी तो फाइनेंशियल 6 months के क्लोजर का क्रॉस कर गया, तो पिछले साल गलती हो गई, हमको फाइन पेनल्टी हम दिए थे, अब क्या करें? देर हो गई तो हो गई, क्या अगले साल भी देरी कर देगी फिर क्या? 15 मंथ्स मैक्सिमम, विद इन 15 मंथ्स। मेरे से क्वेश्चन पूछा 15 मंथ्स का गैप कहां कंप्लीट हुआ, मैं ये नहीं बोला था कि 15 मंथ्स कंप्लीट हो जाए तब करो या लास्ट डेट पे करो, उससे पहले पहले कर लो, दैट वुड बी द पॉइंट। सही है? तो जब भी तुम करोगे एजीएम का ड्यू डेट निकालोगे तो 3 चीजों को सेटिस्फाई करोगे, नंबर 1 कैलेंडर ईयर, नंबर टू 15 मंथ्स, एंड नंबर थ्री ऑफकोर्स विद इन 6 months ऑफ एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अब एजीएम का ड्यू डेट निकालने पे पेपर में क्वेश्चन आते रहते हैं, क्या निकाल सकते हो? 2 क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं, कुछ क्वेश्चन तुमसे करवाता हूं मैं अपनी क्लास में, और तुम मुझे एजीएम के ड्यू डेट निकालो के बताओगे। आगे बढ़े और इन तीनों को कंपेयर करोगे और देखोगे विच इवर इज अर्लियर। अर्लियर
इसके लिए होगा, दैट इज 31st December, और ये 30th September. सही है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आइए. डेट ऑफ एजीएम हेल्ड इन प्रीवियस ईयर. जैसे टेबल बनाएंगे प्रॉपरली बनाना, और डेट ऑफ एजीएम हेल्ड इन प्रीवियस ईयर, ड्यू डेट ऑफ एजीएम ऑफ 2019. इधर जगह छोड़ना, तुम इधर गैप छोड़ना. मेरे को चार कॉलम चाहिए बना हुआ, सही है. ड्यू डेट ऑफ एजीएम केस वन, वन पे आइए. केस वन, तुम मुझे बस बताते चलो, समझाते चलो, तुम मुझे प्रोविजन समझाते चलो बस, और कुछ नहीं. समझ लो इंडस्ट्री की समस्या है. कंपनी के एमडी पिछले साल एजीएम बुलाए थे 5 नवंबर को, इस साल तुम्हारे शरण में आ गए हैं, तुमसे पूछ रहे हैं कि सर बताइए इस साल एजीएम कौन से डेट तक बुला ले ताकि डिफॉल्टर ना कहलाएं. बोलिए कौन सा डेट बोलोगे? 30 सितंबर बोलोगे, गुड, सही बोला. 30th सितंबर इज द राइट आंसर. किसी को कोई इस आंसर से इत्तफाक है तो बताओ. अभी फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग की हम बात नहीं कर रहे हैं, हमारा क्वेश्चन अभी फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग का है ही नहीं, वो तुम्हें नहीं पढ़ाया मैंने. अभी जब पढ़ाऊंगा तो उस पर मैं, अभी सबसीक्वेंट एजीएम चल रहा है हमारा. बताओ 30 सितंबर के आंसर पे किसी को डाउट है? अगर डाउट है तो बताओ. एक आंसर तो तुम ऐसे ले सकते हो, सबसे पहले देखो आंसर निकालने का स्टेप क्या है. फर्स्ट स्टेप है कि 15 मंथ्स काउंट कर लो. दूसरा स्टेप देखो, क्या 15 मंथ्स काउंट करने से कैलेंडर ईयर क्रॉस कर गई है? अगर कर गई है तो कैलेंडर ईयर लास्ट डेट पे आ जाओ, 31st December पे. नहीं है तो कोई बात नहीं है. फिर तीसरा देखो, क्या फाइनेंशियल का 6 मंथ्स क्रॉस कर गया है? अगर कर गया है तो फिर क्या करो, बैक आ जाओ. 5 नवंबर से अगर हम 15 महीने काउंट कर रहे हैं तो हमारा मंथ में कहाँ जा रहा है? फरवरी, 4th February जा रहा है. अगर हम 4th February 2020 को बुलाते हैं तो 2019 में मीटिंग नहीं हो रही है. तो 31 December 2019 पे अगर हम आ जाते हैं तो बहुत नेचुरल सा फैक्ट है. फिर हमारी समस्या क्या आ रही है? फिर हमारी समस्या आ रही है कि हम जो 6 मंथ्स ऑफ द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है हमारा, वो मिस हो जा रहा है, वो चीज़ हमारा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है. तो हम और बैक लेके चले गए, हम कहाँ पहुँच गए? 30th September पे पहुँच गए. अब हमारी समस्या का क्या हो गया? समाधान हो गया, अब हमारी समस्या सॉल्व हो गया. तो हमने 30 सितंबर इज ऑफकोर्स द राइट आंसर विच वी हैव गॉट डेट. यू नो, एक प्रॉब्लम मैं तुम्हारे लिए और उठा के ला रहा हूँ. अकॉर्डिंगली अगर कंपनी पिछले साल एजीएम 5 नवंबर को बुलाई, 5 दिसंबर को बुलाई थी, केस टू पे आइए. 5 दिसंबर को बुलाई थी तो बताइए अगले साल के एजीएम का डेट क्या होगा, ड्यू डेट क्या होगा? क्या ड्यू डेट होगा? 30th September. किसी को कोई प्रॉब्लम, समस्या? नहीं, तुम बोलो ये तो बड़ा आसान आसान क्वेश्चन है, सब आसान क्वेश्चन समझो, टफ क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा, सही है. थर्ड पॉइंट पे आइए. अगर एजीएम जो है 5th October को बुलाई थी तो अगले साल का डेट बताओ. एजीएम अगर 5 अक्टूबर को बुलाई थी तो नेक्स्ट ईयर एजीएम का डेट 2019 को कौन सा डेट पे हो? अगेन 30th September.
ये तो तुमको अच्छा आइडिया मिल गया, सब में 30 सितंबर आंसर करके ना चले आना। अगर 5 सितंबर को एजीएम बुलाई थी 2018 में, तो यहाँ ड्यू डेट बताइए, 5 सितंबर को एजीएम बुलाई थी तो यहाँ ड्यू डेट बताइए, यहाँ भी 30 सितंबर आंसर देंगे, यहाँ भी 30 सितंबर देंगे, श्योर है? तो चलो तुम्हारे ख्याल से मैं यहाँ भी 30 सितंबर दे दिया। चलो हम हर मंथ को चेक करके देखते हैं, पाँचवा में देखना, अगर 5 अगस्त को बुलाया था तो यहाँ बताइए ड्यू डेट, 5 अगस्त को बुलाया था तो ड्यू डेट बताइए, फिर भी 30 सितंबर, वेरी गुड, 30 सितंबर। और 6 में आइए, अगर 5 जुलाई को बुलाया था, किसी को आंसर से कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं वो क्लियर करता चलूँगा। 5 जुलाई को बुलाया था, फिर 30 सितंबर, यानी कि 30 सितंबर के अलावा कोई आंसर ही नहीं होगा। अगर 5 जून को बुलाया था, 5 जून को बुलाया था, ना बताइए। अच्छा अब कुछ बदला, अब आ गया कितना, 4 सितंबर। और अगर 5 मई को बुलाया था तो फिर 4 अगस्त। ये 4 सितंबर या 4 अगस्त इन्होंने इसलिए ले लिया है क्योंकि अगर हम सितंबर 30 पे जाते हैं तो हमारे को वो 15 महीने वाला जो प्रोविजन है वो क्या हो रहा है, वो क्रॉस कर रहा है, मीन्स 15 मंथ्स क्रॉस कर रहा है, और हमको क्या करना है, तीनों के तीनों चीज़ों को सेटिस्फाई करनी है। क्लियर है? अच्छा बात यहाँ अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी बात अभी बाकी है, हम इस टेबल में अभी और आगे की कहानी शुरू करेंगे, और आगे बताएंगे भी, डिस्कस करेंगे। चलिए थोड़ा सा बुक के ऊपर फिर से उठाते हैं, फिर से उठाते हैं, नहीं अभी नहीं, हाँ ले लो, नेक्स्ट पॉइंट आइए, एक्सटेंशन फॉर एजीएम, एक्सटेंशन फॉर एजीएम, नेक्स्ट पॉइंट आइए। अब देखिए जरा यहाँ पे, रजिस्ट्रार में फॉर एनी स्पेशल रीजन एक्सटेंड द टाइम विद इन विच एनुअल जनरल मीटिंग अदर देन फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग शैल बी हेल्ड, और बाय ए पीरियड हाउ मच, नॉट एक्सेडिंग 3 मंथ्स। चलिए अब इसको भी समझ लीजिए, ये क्या समस्या है इसको समझिए, रजिस्ट्रार समझते हो, ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, मे फॉर एनी स्पेशल रीजन ये एक्सटेंड कर सकते हैं टाइम, किस टाइम के भीतर एजीएम होनी चाहिए ये एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट एजीएम को नहीं, शैल बी हेल्ड बाय ए पीरियड नॉट एक्सेडिंग, मैक्सिमम कितना एक्सटेंड कर सकते हैं वो, 3 मंथ्स, मैक्सिमम कितना एक्सटेंड कर सकते हैं, 3 मंथ्स। देखो रजिस्ट्रार के पास एक्सटेंशन करने की पावर है, और ये पावर जो है ना ये बेसिकली इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, जब रजिस्ट्रार एक्सटेंशन करेंगे तो एक बात क्लियर कर लेंगे कि वो 15 महीने का जो प्रोविजन है वो डिफीट ना हो जाए, 15 मंथ्स का जो प्रोविजन है वो डिफीट ना हो जाए, दैट वुड बी सीन बाय ऑफ कोर्स द ROC। अगर ROC के पास हम टाइम एक्सटेंशन के लिए गए कि ROC साहब देखिए अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी तैयार नहीं है और इसके साइन होने बाकी है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, आप मेरे को टाइम एक्सटेंशन दे दीजिए, ROC बोलेगी ठीक है हम 3 महीने का तो टाइम एक्सटेंशन आपको दे सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन कितने महीने का दे थोड़ा सोचते हैं। अब तो बोलेगी कि भाई 3 महीने का देते हैं तो आपकी एजीएम 15 मंथ्स के बाद हो रही है, नहीं हम बैक लेंगे, हम जो 15 मंथ्स को सेटिस्फाई कर दे हम आपको उतना ही टाइम एक्सटेंशन देंगे, हम उससे ज़्यादा टाइम एक्सटेंशन आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो ROC को यही टाइम एक्सटेंशन देने का पावर है, और ROC अगर टाइम एक्सटेंशन देगी तो सिर्फ ये प्रोविजन को डिफीट कराएगी, सिर्फ इस प्रोविजन को डिफीट कराएगी, सॉरी फर्स्ट एजीएम में लगा दिया एरो, फर्स्ट एजीएम में तो टाइम एक्सटेंशन नहीं दे सकती है, सबसीक्वेंट सिर्फ इस प्रोविजन को डिफीट कराएगी। अब मैं इसी प्रोविजन के ऊपर फिर से ला रहा हूं, अब मैं इस टेबल को थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं तुम्हारे साथ, अब उसको देखिए, नेक्स्ट पॉइंट,
कैन आरओसी ग्रांट टाइम एक्सटेंशन, क्या आरओसी टाइम एक्सटेंशन ग्रांट कर सकती है? बताइए, कैन आरओसी ग्रांट टाइम एक्सटेंशन 5th November एंड 30th November? बताइए आप, क्या आरओसी यहां पे टाइम एक्सटेंशन दे सकती है? पिछली एजीएम हमारी कितने साल कितने डेट को हुई थी, क्या डेट को हुई थी? 5 नवंबर को। 5 नवंबर से 15 मंथ्स कब कंप्लीट हो रहा है? 5 नवंबर से फैब में हो रही है कंप्लीट। मान लो फैब में कंप्लीट हो रही है, हमारा ड्यू डेट कितना है? 30 सितंबर है। अगर यहां से 3 महीने का टाइम एक्सटेंशन आरओसी दे दे तो 15 महीने वाला प्रोविजन डिफीट नहीं होगा और कैलेंडर ईयर वाला भी प्रोविजन डिफीट नहीं होगा। तो हम आंसर क्या लिखेंगे? यस अप टू कब तक? 31st December, ये कर दो। सेकंड केस में बोलो तो, सेकंड केस में यहां भी कर ले, यस अप टू कब तक? 31st December, अप टू विच दिसंबर? 31st December। यहां भी देख लो, यस या नो? यस, लेकिन कब तक? 30 सितंबर, और 5 अक्टूबर से 15 महीने का काउंटिंग करो तो 5 सितंबर से 15 महीना कब कंप्लीट हो रहा है? अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, जनवरी तक जा रहा है। यहां भी 31 दिसंबर तक टाइम एक्सटेंशन दे सकती है। किसी को डाउट हो तो मुझे रोक लो और मैं भी एक्सप्लेन करता हूं फिर। ये 5 सितंबर को मीटिंग हुई है, 30 सितंबर तुमने ड्यू डेट लिया है, आरओसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर टाइम एक्सटेंशन दीजिए ना। आरओसी टाइम एक्सटेंशन कितनी देगी? अगर 31 दिसंबर तक अपने 3 महीने के पावर को एक्सरसाइज कर रही है तो बताइए क्या 15 मंथ्स वाला प्रोविजन डिफीट हो रहा है? सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, मतलब 4 दिसंबर को, अगर 4 दिसंबर से आरओसी एक्सटेंड करती है तो 15 मंथ्स वाला प्रोविजन क्या हो जाएगा? डिफीट हो जाएगा। मैं बोलूंगा यहां पे तुमको, सुनो ध्यान से, यस, लेकिन कब तक? अप टू 4th December, 4 दिसंबर तक। अच्छा, अप टू 4th December, दिस वन। 5 अगस्त की अगर मीटिंग है कंप्लीट, देखिए 30 सितंबर को हो रही है, यहां बताइए टाइम एक्सटेंशन कितना होगा? टाइम एक्सटेंशन यहां बताइए, क्या टाइम एक्सटेंशन दे सकते हैं? यस अप टू व्हाट? 4th November, 4th November। 5 जुलाई को मीटिंग हो रही है, कितने टाइम एक्सटेंशन दे सकते हैं? यस अप टू जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर, ऑफ कोर्स 4th October, 4th October। अगले पॉइंट पे देखिएगा, 5 जून, 4th September, अब यहां बता दीजिए अप टू 4th September, और यहां पर यस अप टू, बोलिए क्या? 4th क्या, कौन सा मंथ? अगस्त, 4th अगस्त, दिस वन द पॉइंट कॉल। ये यहां पे देखिएगा, 5 मई को मीटिंग हो रही है और 4th अगस्त, क्या यहां पे टाइम एक्सटेंशन मिलेगा? आरओसी मना कर देगी कि नहीं साहब, यहां पे आपको टाइम एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। इनफैक्ट ऊपर वाले केस में भी आरओसी मना करेगी, यहां नो और यहां भी क्या नो, बोथ ऑफ द प्लेसेस शैल बी ऑफ कोर्स नो
Not at all. That was the point called here. 1 to 8. Bully, koi doubt? सही है तक चलिए हम अभी उसी पॉइंट पे हैं. फर्स्ट एजीएम के प्रोविजन को समझिए. एक्सटेंशन ऑफ टाइम बाय द रजिस्ट्रार समझ लिया. फर्स्ट एजीएम फर्स्ट एजीएम में कहते हैं कि यहां पे फर्स्ट एजीएम की बात समझिए. नॉर्मली अगर हम कहें कि पहली एजीएम कंपनी कितने दिनों के भीतर बुलाएगी, इनकॉर्पोरेशन होती है और एजीएम का मेन काम क्या होता है, अकाउंट्स की कंसिडरेशन होती है कि नहीं होती है, तो अकाउंट्स बन जाने के बाद बुलाएगी या पहले बुलाएगी? पहले कैसे बुलाएगी? पहले अकाउंट्स तो तैयार हो तभी तो बुलाएगी. एजीएम का मेन वर्क यही होता है. अच्छा अब एक बात बताओ, क्या पहली एजीएम पहली फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले बुलाएगी या बाद में बुलाएगी? पहली फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद बुलाएगी या पहले बुलाएगी? फर्स्ट एजीएम पहले बुला के क्या करेगी? अकाउंट्स से मेंबर को क्या दिखाएगी? फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ नहीं है, अकाउंट्स बना नहीं है, तो मेंबर को बुला के क्या दिखाएंगे? बोलोगे डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट, वो तो पहले भी कर लिया होगा. ऑडिटर के अपॉइंटमेंट पहले भी कर लिया होगा. फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कैसे होती है याद है, पढ़ा था कुछ? कंपनी इनकॉर्पोरेशन होती है, 30 दिन के भीतर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट करते हैं. तो मुझे बता फर्स्ट एजीएम फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद बुलाया जाए या पहले बुलाया जाए? बाद में ना बुलाया जाएगा. अब यहां देखो फाइनेंशियल ईयर क्या लिखता है, प्रोविजन क्या दिया है, देखो यहां क्या कहते हैं. यहां देखो, इन केस ऑफ फर्स्ट एजीएम इट शैल बी हेल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी मंथ्स? 9 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ व्हाट? क्लोजिंग ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर. अब सुनिए जरा मेरे ध्यान से सुनिएगा, अब मैं तुम्हारा दिमाग थोड़ा और घुमाऊंगा. अभी विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर. अब अलर्ट हो जाओ, अब बढ़िया बढ़िया बाउंसर क्वेश्चन आने वाला है तुम्हारे सामने. बोलिए मुझे डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्लियर, लास्ट डेट ऑफ फर्स्ट
फाइनेंशियल ईयर एंड ड्यू डेट ऑफ फर्स्ट एजीएम हाँ जी लास्ट डेट ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देखिए जरा ध्यान से अगर इनकॉर्पोरेशन की डेट 5th दिसंबर 2018 है तो मुझे बताइए पहली फाइनेंशियल ईयर की लास्ट डेट क्या होगी फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डेट क्या होगा ये कह रहे हैं 31 मार्च 2019 क्या इस आंसर को डन किया जाए अगर कंपनी की इनकॉर्पोरेशन 5 जनवरी 2019 को हुई है तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर का एंडिंग डेट क्या होगा 31 मार्च 2020। अब मुझे बताओ कि रजत ये बुद्धि कहां से लाया ये अकल कहां से लाया कहां पढ़ा है हमने ऐसा आंसर तो सही दिया है आंसर तो सही दिया है बिल्कुल सही है बट किस सेक्शन से है ये कोऑर्डिनेट अनजाने में हुआ या सोच समझ के सही आंसर दिया है तो सेक्शन क्या है बताइए यार फाइनेंशियल ईयर का डेफिनेशन भूल गए किस सेक्शन में फाइनेंशियल डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज चैप्टर बता दो कौन से चैप्टर में था फाइनेंशियल ईयर का डेफिनेशन किस चैप्टर में था 2 क्लॉज 41 अकाउंट्स ऑफ कंपनी जब पढ़ाना शुरू किया था तो सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर का डेफिनेशन बताया था कि अगर कंपनी आपकी इनकॉर्पोरेट हो रही है 1st जनवरी या उसके बाद तो जो फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग डेट होगी अगले साल का 31 मार्च और अगर उससे पहले इनकॉर्पोरेट हुई है तो आने वाला 31 मार्च तो बताइए एजीएम का ड्यू डेट बताइए इस केस में ड्यू डेट बताइए 31 दिसंबर 2019 और यहां 31 दिसंबर 2020 सही है कैन आरओसी ग्रांट टाइम एक्सटेंशन बताइए यस या नो क्या इस केस में आरओसी टाइम एक्सटेंशन ग्रांट करेगी वो बोलेगी कैसी बात कर तो 31 दिसंबर से ज्यादा तो देने का मेरे को पावर ही नहीं है और यहां तो ऑलरेडी 31 दिसंबर आ रहे हैं 9 मंथ्स लेना था ना तभी तो 31 दिसंबर आ रहा है तो यहां आंसर क्या होगा नो एकदम प्रॉपरली करते जाओ
चलिए क्लियर, वेरी मच क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आइए। नेक्स्ट पॉइंट मीटिंग्स के ऊपर, अगले पॉइंट पर आइए। सेक्शन नंबर 96 के ऊपर ही हम, और मैं तुम्हें थोड़ा बुक तुम्हारे सामने प्रेजेंट कर दूं, दिखा दूं जरा, फिर से देखिएगा पॉइंट्स को। यहां पर हमने ये बताया 96(1), टाइम गैप बिटवीन टू एजीएम, एग्जामिशंस फर्स्ट एजीएम के लिए इट वॉज, इसको बताना है अब, थोड़ा इसके ऊपर आइए। यहां देखिएगा कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है 2018 में, सही है, इनकॉर्पोरेट हुई 2018 में। क्वेश्चन ये उठता है, कैन वी से द कंपनी इज डिफॉल्टर एज इट वॉज नॉट कंडक्टेड इट्स एजीएम इन द, कैन वी से दैट द कंपनी डिफॉल्टेड एज इट वॉज नॉट कंडक्टेड इट्स एजीएम इन द ईयर 2018। बोलिए 2018 में कंपनी ने एजीएम कंडक्ट नहीं किया, हम कंपनी को डिफॉल्टर कहेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और यहां से भी आपको कुछ बताता हूं। यहां पे ध्यान दीजिएगा, इस केस को उठाता हूं मैं। कैन वी से दैट, वी से दैट द कंपनी इज डिफॉल्टर एज इट वॉज नॉट कंडक्टेड इट्स एजीएम इन द ईयर ऑफ, देखिएगा यहां पे किस साल एजीएम नहीं कंडक्ट हो रही है, 2019 में नहीं किया, 2019 में नहीं किया। बोलिए यस लिखूं या नो लिखूं, कैलेंडर ईयर में एजीएम मिस हो रही है, मैं यस लिखूं या नो लिखूं, व्हाट शुड आई राइट इन दिस सिचुएशन, यस और नो? नो लिखूं मैं? यहां पे बोल रहे हैं तुम, आप लिखो कि डिफॉल्टर नहीं है, दैट इज आपने कहा कि यहां लिखिए कि डिफॉल्टर नहीं है, और यहां क्या कह रहे हो, डिफॉल्टर है, यहां क्या कह रहे हो, डिफॉल्टर है। तुम यहां भी कंपनी को बोल रहे हो कि कंपनी तुम डिफॉल्टर नहीं हो, लेकिन सरकार की तरफ से जो वकील है वो पूछेगा कि भाई कौन से प्रोविजन के अकॉर्डिंगली डिफॉल्टर नहीं है, ये तो बताओ, कंपनी को डिफेंड किया, बोला डिफॉल्टर नहीं है, लेकिन किस प्रोविजन के अकॉर्डिंगली डिफॉल्टर नहीं है। तो यहां पे देखो लिखा हुआ है, तुमने बोला तो सही है, लेकिन प्रोविजन तुमको क्या दिखानी पड़ेगी। देखो कहता है, इफ ए कंपनी होल्ड्स इट्स फर्स्ट एजीएम एज अ फोरसेट, इट शैल नॉट बी नेसेसरी फॉर द कंपनी टू होल्ड एनी एजीएम इन द ईयर ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। अगर इस तरह से एजीएम कर रही है तो इनकॉर्पोरेशन के ईयर में एजीएम नहीं करे, ये कोई जरूरी नहीं है। इट इज नॉट वेरी मच नेसेसरी टू होल्ड द एजीएम इन द ईयर ऑफ व्हाट इनकॉर्पोरेशन, दैट इज स्पेसिफाइड ईयर, ये बातें यहीं लिखी है, हम अपने तरफ से नहीं बोल रहे, क्लियर।
चलिए, तो हमने लॉ के प्रोविजन दिखा के आरओसी के लॉयर को सेटिस्फाई कर दिया, जज को सेटिस्फाई कर दिया कि यस कानून में वाकई ऐसा प्रोविजन है, सही है। हम पे क्या इल्जाम लगे थे कि भाई आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट तो कर ली लेकिन इनकॉर्पोरेशन वाले ईयर में एजीएम नहीं किया, क्या हम डिफॉल्टर हैं? हमने बोला हम इन डिफॉल्टर नहीं है, हमने फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 9 महीने के भीतर एजीएम किया है, तो ऐसा सेक्शन 96 में ही लिखा हुआ है कि अगर कंपनी फर्स्ट फाइनेंशियल खत्म होने के 9 मंथ्स में एजीएम करती है तो इनकॉर्पोरेशन के ईयर में एजीएम ना करे तो फिर कंपनी डिफॉल्टर नहीं है। दिस वन द पॉइंट कॉल्ड हियर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे आइए। एक्सटेंशन बाय रेसे एवरी एनुअल रेमिडी, टाइमिंग देखिएगा, टाइम प्लेस इनकी बातें करते हैं, कहते हैं एवरी एजीएम सेल बी कॉल ड्यूरिंग, ध्यान दीजिएगा, 9 AM to 6 PM, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे के भीतर बुलाई जाए। क्या शाम को 5 बजे बुला सकते हैं? शाम को 5 बजे बुला सकते हैं? 5:55 कैन बी कॉल्ड द एजीएम, कैन बी कॉल्ड द एजीएम, लेकिन मीटिंग में बैठा रात के 9 बजे तक चल रही है, बोलिए क्या गलत है? रात के 9 बजे तक एजीएम चली, गलत है क्या? 5:59 से बुला सकते हैं, बुला सकते हैं, 1 मिनट में मीटिंग हो जाएगी, तो क्या मीटिंग 6 बजे के बाद एक्सटेंड हो रही है तो क्या डिफॉल्टर है? कहते हैं कॉल्ड, बुलाओ, बुलाओ, एक्सटेंड होकर के बियॉन्ड द टाइम जा रही है, दैट वुड नॉट बी अ मैटर ऑफ कोर्स देयर। अगर हम अभी बुला लिए मीटिंग इस वक्त दिन के 2 बजे, वैलिड है, दिन भर करते रहे रात के 2 बजे तक चल रही है तो भी वैलिड है, नो प्रॉब्लम। वी हैव टू कॉल द मीटिंग बिटवीन 9 AM to 6 PM, सुबह के 8:30 बजे बुलाया मीटिंग, क्या वैलिड है? नहीं। 9:45 बजे? नहीं। 9 o'clock? चलेगा, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट पॉइंट, ऑन एनी डे, डेट देखिएगा जा क्या है, डेट पे ध्यान दीजिएगा, ऑन एनी डे दैट इज नॉट ए नेशनल हॉलीडे, आप किसी भी दिन बुला लो एजीएम, क्या संडे को बुला सकते हैं? अच्छी बात है, लोगों की छुट्टी होती है, फ्री होते हैं, बुला लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पब्लिक हॉलीडे पे मीटिंग बुला सकते हैं, नेशनल हॉलीडे पे एजीएम नहीं बुलाएंगे, ये बात तय है। तो अगर कहते हैं कि भाई आपको एजीएम बुलाने के लिए कौन सा डेट होना चाहिए, कैन वी कॉल एजीएम एट अ डेट ऑफ होली, दीपावली, दशहरा, ये पब्लिक हॉलीडे होती है, और पब्लिक हॉलीडे पे नहीं बुलाएंगे ऐसा कोई प्रोविजन नहीं बना, नेशनल हॉलीडे पे रोका गया है, दीपावली के एक दिन पहले एक दिन बाद, पहले वाले कानून में लिखा हुआ था पब्लिक हॉलीडे पे नहीं बुलाना है, यानी कि होली, दिवाली, दशहरा, ईद, इन सब पे मीटिंग हम नहीं बुलाते थे, आपके कानून में क्या लिखा हुआ है, सिर्फ नेशनल हॉलीडे पे मत बुलाओ, यानी कि होली, दिवाली, दशहरा पे बुला लो, ईद पे बुला लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रिसमस पे बुला लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बदलाव क्यों आया? क्योंकि आज की डेट में मेंबर्स को प्रिविलेज मिला है कि वो मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी अटेंड कर सकते हैं, वो मीटिंग्स के रेजोल्यूशंस जो हैं वो घर पे बैठ के ही वोटिंग कर सकते हैं, मतलब मीटिंग में जो वोटिंग होती है वो घर पे ही बैठ के हो जाती है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है। तो नेचुरली आप अगर होली के दिन होली खेलना चाह रहे हैं, मीटिंग पे नहीं आना चाह रहे हैं, तो आपके नहीं आने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आपने जो वोटिंग है वो आपने पहले ही कर रखी है। सो दैट इज डजंट मैटर, यू नो। तो क्या आज की डेट में पब्लिक हॉलीडे पे मीटिंग बुलाई जा सकती है? बुलाई जा, कौन से डेट पे नहीं बुलाई जा सकती है? नेशनल हॉलीडे। नेशनल हॉलीडे क्या होता है? जिसको गवर्नमेंट डिक्लेयर कर रही है, पार्लियामेंट डिक्लेयर कर रही है, जैसे 26 जनवरी पे हम मीटिंग नहीं बुलाएंगे, हम 15 अगस्त पे मीटिंग नहीं बुलाएंगे, हम 2 अक्टूबर पे मीटिंग नहीं बुलाएंगे। और अगर कोई स्पेसिफिक डेट सरकार ने डिक्लेयर कर दिया है
तो उस डेट पे भी नहीं बुलाएंगे। सरकार नोटिफिकेशन निकाल करके डिक्लेयर कर दे कि भाई इस डेट पे मीटिंग नहीं बुलानी है, ये नेशनल हॉलीडे है, तो ठीक है हम उस डेट पे मीटिंग नहीं बुलाएंगे। इलेक्शन होती है, नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया है, नहीं बुलाएंगे मीटिंग। अच्छा एक बात सुनो, अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन सुनो क्या आता है, और तुमको बल्कि समझदारी से होशियारी से आंसर करना है, पढ़ लेते हो सारा कुछ सामने, बड़ी समझदारी से आंसर करनी है। हमने डिसाइड किया है कि हमारी कंपनी की जो AGM होगी ना वो कब होगी, 5 नवंबर को होगी। कोई बुराई है? कोई बुराई नहीं, नेशनल हॉलीडे नहीं है। सबको नोटिस भेज दिया कि 5 नवंबर को सब आना, मीटिंग है, AGM है, दिन के 2 बजे। लेकिन क्या हादसा हुआ, ठीक एक दिन पहले कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, देश में बहुत तबाही हुई, बर्बादी हुई, और सरकार ने 5 नवंबर को नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया। कंपनी के MD साहब तुमको फ़ोन लगा दिए, CA साहब हमने तो कल AGM की डेट रखी हुई थी, और अभी अभी खबर आई है कि 5 नवंबर जो है वो नेशनल हॉलीडे है, तो कल अगर हम AGM करते हैं तो क्या ये वैलिड होगी? 5 नंबर का क्वेश्चन है, सोच समझ के पूरी समझदारी से आंसर दो। बोलिए क्या लग रहा है? फिर वही बात बता रहा हूं, शैल बी कॉल्ड। हमने तो नेशनल हॉलीडे पे कॉल नहीं किया था, हम तो ऑलरेडी मीटिंग कॉल कर चुके हैं, और जिस दिन कॉल कर चुके थे वो डेट नेशनल हॉलीडे नहीं थी, वो बाद में नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर हुई है, हम उस डेट पे मीटिंग करेंगे, कोई इशू नहीं है। हमारी मीटिंग्स की नोटिस जो है वो पहले ही जा चुकी है, और जा चुकी है तो मीटिंग होगी। हमने नेशनल हॉलीडे पे मीटिंग नहीं बुलाया था, जिस दिन नोटिस भेज रहे हैं उस दिन देखेंगे क्या मीटिंग वाली डेट नेशनल हॉलीडे है, अगर है तो हम नहीं बुलाएंगे, अगर नहीं है तो फिर हम बुला सकते हैं, बाद में वो डेट नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर हो जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या सही है? बिल्कुल सही है। दिस वन, मीटिंग बुलानी कब से कब तक है? 6 बजे से लेकर के दिन में 9 to 6 PM, नहीं 9 to 6 PM, लेकिन जिस दिन मीटिंग बुलाया था दिन के 12 बजे ही बुलाया था, लेकिन ऑफ कोर्स सन इक्लिप्स था, सूर्य ग्रहण थी, सारा अंधेरा हो गया था, मतलब दिन में ही रात हो गया था। कैन वी कंडक्ट द AGM? इन बातों से कोई मतलब नहीं है, टाइमिंग इज परफेक्ट, हमारा जो मीटिंग कॉल कर रहे हैं हम वो चीज देखेंगे, दिस वन द पॉइंट कॉल लिए। तो चलिए, तो एवरी एनुअल जनरल मीटिंग शैल बी कॉल्ड ड्यूरिंग व्हाट बिजनेस आवर, एंड व्हाट शैल बी द पॉइंट, 9 AM to 6 PM ऑन ए डेट दैट इज नॉट ए नेशनल हॉलीडे, means you have to call the meeting on such a date which is not a national holiday. It means we can call the meeting on the public holiday, we can call on the meeting even on to the Sunday, there won't be any problem at all. Achha, teesri baat, meeting hogi kahan? To yahan dekhna, shall be held either at registered office. Dekho, har company ki apni registered office hoti hai ki nahi hoti hai, to meeting kahan honi chahiye? Registered office mein. अब मेंबर्स को मन करता है कि साहब होटल ताज में मीटिंग होती तो बड़ी अच्छी होती, और डायरेक्टर साहब ही पूछते हैं कि होटल ताज में मीटिंग कर लेते हैं, तुमसे पूछने आ गए, एडवाइस ले रहे हैं कि सर रजिस्टर्ड ऑफिस पे इस बार मीटिंग ना करके हम होटल ताज में करना चाहते हैं, कैन वी डू द मीटिंग इन टू द होटल ताज? तो देखो क्या कहते हैं, शैल वी हेल्ड एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी और एट सम अदर प्लेस, हाँ अदर प्लेस में हो सकती है, within the city, town or village in which the registered office of the company is situated. ये बड़ा critical issue है, ये कहता है कि उसी town में करो, city में करो, जिस जगह पे registered office क्या है, situated है, जहाँ पे situated है आप वहीं पे करो, मतलब अगर तुम दिल्ली में तुम्हारी registered office है तो तुम दिल्ली में कहीं भी कर लो, कोई problem नहीं है, but अगर तुम चाहते हो कि गाजियाबाद में कर ले, then it shall not be allowed at all. तुम शहर बदलना चाहते हो, वो allowed नहीं है, कंपनी की रजिस्टर ऑफिस मेरठ में है लेकिन मेरठ में कर्फ्यू लगी हुई है,
लोगों का आना जाना सब बंद है, और कंपनी के डायरेक्टर ने तुमको कहा कि सर मेरठ में तो कर्फ्यू लगी हुई है, और मेरठ में एजीएम ना करके हम गाजियाबाद में कर लें, व्हाट शैल बी योर आंसर? बिल्कुल नहीं। अगर गाजियाबाद में करना चाहते हो तो इसका कोई दूसरा प्रोविजन है, वो हम अभी देखेंगे, लेकिन ऐसे आप नहीं कर सकते हो, शहर नहीं बदल सकते हो। आपको मीटिंग करनी है तो कहाँ करनी है? वहीं पे करनी है जहाँ पे आपको कहा गया है। लेकिन एक बात तो सुन लो, जिस दिन पे करो, जिस वक्त पे करोगे, जिस जगह पे करोगे, ये बात नोटिस में मेंशन होनी चाहिए। ये नहीं कि नोटिस में कुछ लिख दिया और उसके बाद मेंबर को कह रहे कि यहाँ आ जाओ, 9 बजे बुलाया था, अरे 3 घंटे लेट हो जाएगी, डायरेक्टर साहब लेट आ रहे हैं, 12 बजे कर लेना, सबको फ़ोन करके फिर कह रहे हैं। दैट थिंग शुड नॉट बी टेनेबल, वॉट एवर द टाइम, वॉट एवर द प्लेस, वॉट एवर द अकॉर्डिंग डे विच इज स्पेसिफाइड इन टू द नोटिस, द मीटिंग शैल बी हेल्ड ओनली एट दैट टाइम, दैट प्लेस एंड ऑफकोर्स एट दैट डे। दिस इज द फैक्टर विच वी गॉट इट नो। तो चलिए अब हम इस मैटर को भी तय करते हैं। एक तरह से हमने एक प्रोवाइडेड डेट करके एक पॉइंट है, जहाँ इसके ऊपर जाए एक नज़र डालिएगा, ये कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 से इंट्रोडक्शन है, यहाँ पे इसको डालिएगा। मैंने इसमें नहीं मेंशन किया लेकिन आपकी बुक में ये जरूर मेंशन है, प्रोवाइडेड डैट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ एन अनलिस्टेड कंपनी, देखिएगा अनलिस्टेड कंपनी के लिए एक प्रोविजन आ रही है यहाँ पे, एजीएम ऑफ अनलिस्टेड कंपनी जो भी है मे बी हेल्ड एट एनी प्लेस इन इंडिया इफ कंसेंट इज गिवन इन राइटिंग और इलेक्ट्रॉनिक मोड बाय ऑल मेंबर्स इन एडवांस। इट्स वर्ड्स मे बी हेल्ड एट एनी प्लेस इन इंडिया If consent is given in writing or by electronic mode by all the members in advance, by all the members in advance, यहाँ पे अनलिस्टेड कंपनी को एक बेनिफिट दे दिया, इस बेनिफिट पे ध्यान रखिएगा, इट्स ओनली फॉर द अनलिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी में प्राइवेट कंपनी भी आती है, नॉर्मली प्राइवेट कंपनी भी अनलिस्टेड होती है, शुड हैव ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस नोट दे, आगे बढ़ें। और नेशनल हॉलीडे का मतलब तुमको एक्सप्लेनेशन में दिया है कि डे एज डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट जिस डेट को डिक्लेयर करती है, दैट डे इज कॉल्ड ऑफकोर्स द नेशनल हॉलीडे। कमेंट्री पे आइएगा,
नाउ कमेंट्री। सेक्शन 8 कंपनी, पहला एग्जेम्पशन मॉडिफिकेशन एंड एडेप्टेशन के ऊपर देखिएगा ध्यान से। आपको सेक्शन 8 कंपनी का पता होगा, क्या होती है सेक्शन 8 कंपनी? एनपीओ, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है, दैट्स कॉल्ड ऑफ कोर्स व्हाट, सेक्शन 8 कंपनी कहते हैं। सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 96 आफ्टर द प्रोविजन एंड बिफोर द एक्सप्लेनेशन द फॉलोइंग प्रोविजन शैल बी इंसर्टेड। ये सेकेंड पॉइंट है, वही बेसिकली इंसर्ट हो गई है, गलती से इसके ऊपर नंबरिंग हो गई है, सेकेंड पॉइंट इंसर्ट हो गई है। यहां एनपीओ के लिए है, इट्स टाइम डेट एंड प्लेस, टीडीपी टाइम डेट एंड प्लेस ऑफ ईच एजीएम आर डिसाइडेड बिफोर हैंड बाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मे बी ऑफ एजीएम जो भी है आर डिसाइडेड बाई डिसाइडेड अपॉन बिफोर हैंड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैविंग रिगार्ड टू द डायरेक्शंस इफ एनी गिवेन इन दिस रिगार्ड। अमेंडमेंट है बाय जनरल मीटिंग बाय कंपनी इन जनरल मीटिंग। मैं इसमें क्लियर कर दूं, डेट टाइम एंड प्लेस एनपीओ के लिए बोर्ड डिसाइड करेगी, कुछ भी हो सकता है, जैसी डायरेक्शंस जनरल मीटिंग ने दिया है उसके अकॉर्डिंगली एज डायरेक्टेड बाय द जनरल मीटिंग्स, जैसे डायरेक्शंस दिए गए हैं उस डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली। चलिए थर्ड पॉइंट पे आते हैं, गवर्नमेंट कंपनी के लिए बताएं टीडीपी मतलब टाइम डेट एंड प्लेस ऑफ ईच एजीएम आर डिसाइडेड अपॉन बिफोर हैंड, बिफोर हैंड मतलब पहले, हु विल डिसाइड दैट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जैसी डायरेक्शन जनरल मीटिंग ने दी है उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली डिसाइड करेगी। हैविंग रिगार्ड टू द Giving in this regard by company, in this regard, having regard to the directions if any, having regard to the directions if any given in this regard by company in general meeting, by company in general meeting, clear? नेक्स्ट पॉइंट पे आए, अगले पॉइंट पे आइए। इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी
अगर हम गवर्नमेंट कंपनी की बात करें तो यहाँ पे जैसे एक वर्ड लिखा हुआ था कि आप सेम सिटी टाउन और विलेज में करें, मतलब उसी शहर में कहीं और भी मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी के लिए होगा उस प्लेस पे करोगे जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करेगी, जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, अप्रूव करती है। जैसे लिखा है ना, सम अदर प्लेस विद इन द सिटी टाउन और विलेज, इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफिस ऑफ कंपनी इज सिचुएट। यहां पे बदल जाएगा इसके लिए गवर्नमेंट कंपनी के लिए सच अदर प्लेस एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे अप्रूव, एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे अप्रूव इन दिस बिहाफ। That is of course matter for the government company. Fourth point same चीज है, थोड़ी बहुत केस स्टडी एक उसको बताने से पहले सेक्शन 99 थोड़ा क्लियर कर दूं तुमको, जहां पे फाइन डिफॉल्ट है। एक बार सेक्शन 99 को क्लियर कर दूं, नेक्स्ट पे आइएगा, फाइन फॉर डिफॉल्ट डिफॉल्ट अंडर सेक्शन 96 टू 98, डेट इज सेक्शन नंबर 99। ये कहते हैं अगर डिफॉल्ट होती है इज मेड इन कंप्लाइंग with section number 96 or 97 or 98, 96 में AGM बुलाने की है, 97 AGM NCLT बुलाती है, और 98 में कौन बुलाती है, EGM बुलाती है NCLT, 98 में EGM called on by the NCLT under section 98, तो यहाँ पे fine है, कंपनी प्लस एवरी ऑफिसर ऑफ कंपनी। यहां आप देखिएगा ध्यान से, फाइन है, ₹1,00,000 विच में एक्सटेंड टू ₹1,00,000 एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट डिफॉल्ट
देन फाइन इज रुपीज 5,000 फॉर एवरी डे, हर दिन के लिए 5,000 विथ सेल डिफॉल्ट कंटिन्यूस, डिफॉल्ट कंटिन्यूस, जब तक डिफॉल्ट कंटिन्यू है हर दिन का 5,000, फर्स्ट डे की फाइन 1,00,000 है और हर दिन की जो डिफॉल्ट है जैसे जैसे लेट होती है हर दिन का फाइन कितना है 5,000 पर डे। चलिए एक बार सेक्शन 97 पे आइएगा, पावर ऑफ ट्राइब्यूनल टू कॉल एजीएम, सेक्शन 97। ट्राइब्यूनल की पावर मींस एनसीएलटी की पावर एजीएम कॉल करने की, पावर ऑफ ट्राइब्यूनल टू कॉल एजीएम, सेक्शन नंबर 97। अब यहां देखिएगा, अब मुझे एक बात सोच के बताइए, कभी कभी अगर हम एजीएम नहीं बुलाते हैं तो फाइन तो बहुत सीवियर है, मतलब कि पहले डिफॉल्ट हुई तो 1,00,000 की फाइन, मतलब अगर तुमने 30 सितंबर तक एजीएम नहीं बुलाया, 30 सितंबर वाज द लास्ट डेट, तो 30 सितंबर की डिफॉल्ट के लिए 1,00,000, और अगर मान लो 10 अक्टूबर को बुलाता है बुलाते हो तो 9 दिन का फिर डिफॉल्ट हो गया 5,45,000, मतलब बीइंग ए डायरेक्टर 1,45,000 हम दे रहे हैं, तुम भी डायरेक्टर हो तुम भी दोगे 1,45,000, वो भी देगा ये भी देगा जो भी ऑफिसर सब देंगे और कंपनी भी देगी, बताओ कितने पैसे जा रहे हैं। ये तो हुआ 9 दिन 10 दिन की डिफॉल्ट की बात, कभी कभी 100 दिन की डिफॉल्ट हो जाती है, कंपनी कभी एजीएम बुला ही नहीं पाती, कई ऐसे सिचुएशन हो जाते हैं जहाँ पर एजीएम बुलाया नहीं जा सकता है, मुश्किल होती है बहुत मुश्किल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल सुनो क्या होती है, जब जब अफकोर्स सोनू और मोनू की दोस्ती थी, सोनू और मोनू की जब दोस्ती थी तो इन्होंने क्या बनाया, कंपनी बना ली, एक प्राइवेट कंपनी बना ली कि साहब हम बढ़िया से बिजनेस करेंगे काम करेंगे, कंपनी बन के तैयार। लेकिन अब क्या है, ये दोस्ती क्या हो गई है, दुश्मनी में बदल गई है, दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते हैं। अब क्या होगा, एजीएम अगर नहीं करेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, 30 सितंबर इज़ द ड्यू डेट ऑफ द एजीएम, बट ये मोनू तो कहीं और बैठा है, कुछ भी कर लो मैं तो आऊँगा ही नहीं एजीएम में, ये नहीं आने वाला, इसकी टेंशन से हालत ख़राब कि अब मैं क्या करूं भाई, वो तो भाग गया उसको तो प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो यहाँ बैठा हूँ ना, मेरी तो समस्या है, कल को फाइन लगेगी पेनल्टी लगेगी यकीनन, प्रॉब्लम्स आ रही है, हम क्या करें, अब इसको एडवाइस करो ये क्या करे। इट इज़ नॉट प्रैक्टिसेबल टू कॉल द एजीएम ऑफ द कंपनी बिकॉज वन मेंबर कैन नॉट कॉल द एजीएम, इसके लिए एक रास्ता है ये ऐसी। अब तुम बोलोगे ये जो एग्जाम्पल दिया है पेपर में यही एग्जाम्पल क्वेश्चन बन के आता है, नाम कुछ और रहे सोनू और मोनू, नाम कुछ और रहे, यकीनन नाम जो भी हो स्टोरी वही रहेगी,
और तुमको बोलेगा कि तुम एडवाइस करो, सोनू को एडवाइस करो, एंड क्वेश्चन 6 नंबर का है, आप उस दिन सोचोगे कि ये कहां पढ़ा था, ये कहानी कहां बताया था, किस सेंस में बताया था, बिकॉज यहां पे जो एप्लीकेबल होगा सेक्शन नंबर 97 एप्लीकेबल होगा। देखिए जरा सिचुएशन समझिए, यहां पे सेक्शन 97 क्या कहता है, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। कहता है इफ एनी डिफॉल्ट इज मेड इन होल्डिंग द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी द एनसीएलटी में, देखिए ध्यान से, notwithstanding anything contained in this act or any other article of the company, act में जो लिखा है, article में लिखा है, सब जाने दो, on the application of any member, सोनू के ही application पे, लो, सोनू ने ही application NCLT को दे दिया, call करेगी, direct the calling of, या तो खुद call कर देगी, या सोनू को बोलेगी, सोनू तुम खुद बुला लो, accordingly, annual general meeting of the company, सोनू मीटिंग का नोटिस दो, दो ही मेंबर है, अपने आप को भी दो और मोनू जा है मोनू को भी दे दो, सही है। अब वो बोलेगा, सोनू साहब बोलेंगे, जज साहब अगर मोनू नहीं आया तो मैं तो अकेला रह जाऊंगा ना, अब अकेली मीटिंग कर लिया तो फिर आप बोलेंगे कि अकेली मीटिंग कर लिया, तो जज साहब बोलेंगे घबराओ नहीं, मेरे पास एक और पावर है, मेरे पास एक पावर है कि एंसिलरी और कॉन्सिक्वेंटल डायरेक्शन भी दे दूं, कि अगर इस मीटिंग को होल्ड करने में तुम्हारी कोई समस्या होती है तो मैं उस समस्या को भी सेल्फ सॉल्व कर दूंगा, तुम बताओ क्या समस्या होगी। मोनू नोटिस पढ़ने पे भी नहीं आएगा, कोई बात नहीं मत आने दो, तुम अकेले मीटिंग कर लो, ये मेरा एनसीएलटी डायरेक्शन है। ऐसी डायरेक्शंस भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, मतलब एनसीएलटी मीटिंग को सक्सेस बनाने के लिए कोई भी डायरेक्शन दे सकती है, प्रोवाइडेड द डायरेक्शन में इंक्लूड, देखना डायरेक्शन दैट वन मेंबर ऑफ द कंपनी प्रेजेंट इन पर्सन और प्रॉक्सी शैल डीम टू कॉन्स्टिट्यूट ए मीटिंग। तुम अकेले आ रहे हो, कोई समस्या नहीं है, तुम अकेले मीटिंग कर दो। अब मैं ये बातें तुमको बताता हूं, प्रैक्टिकली ऐसी समस्या कई जगह आती है, कई कंपनीज में आती है ऐसी समस्या, दो लोगों ने मिलकर कंपनी बना ली, ये नॉर्मल बेसिक लेवल बहुत होता है, प्राइवेट कंपनी बना ली, अब दोनों की लड़ाई हो गई, ये अपने घर वो अपने घर, दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, मीटिंग का ड्यू डेट निकल गया, कोई परवाह नहीं जाने दो, एक दिन नोटिस आ गया फाइन वाइन का, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं फाइल करी है, डायरेक्टर डिस्क्वालिफिकेशन के नोटिस आ गए, सबके सब लफड़े फंस गए, सोच में बैठे हुए कि एक मेंबर कैसे मीटिंग बुलवाए, तो क्या रास्ता है मीटिंग बुलवाने का, एनसीएलटी को बोले कि जज साहब हमें ऑर्डर कीजिए कि हम अकेला मीटिंग कर लें, एनसीएलटी डायरेक्शन हम एनसीएलटी से मांगे, और एनसीएलटी सेटिस्फाइड हो गई कि वाकई तुम्हारी समस्या है, तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम मीटिंग क्या करो, कर डालो, अकेला ही कर डालो, सही है। किस डेट तक मीटिंग हो जानी चाहिए थी, 30th September। आज एक डायरेक्टर साहब तुम्हारे ऑफिस में आ गए, तुम्हारे नॉलेज का दरवाजा खटखटा रहे हैं, तुमसे पूछ रहे, सर मेरी समस्या बड़ी गंभीर है, तुमने पूछा क्या है बताइए, उन्होंने बोला कि फैक्ट्री में स्ट्राइक है, वर्कर्स धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, मैं जाता हूँ मुझे पत्थर मारते हैं, मेरी गाड़ी का शीशा वीसा सब तोड़ दिया, और कंपनी की मीटिंग भी हमने सितंबर में रखी हुई है। अब आप ही बताइए, सितंबर में अगर मीटिंग करते हैं तो वो वर्कर्स तो मेंबर्स को मारना शुरू कर देंगे, मीटिंग तो होने ही दे देंगे, वर्कर्स ने धमकी दे रखी है कि अगर मीटिंग बुलवाया तो सबका सर फोड़ेंगे। अब मेरी समस्या समाधान की कि हम क्या करें, मीटिंग बुलवाते हैं तो मेंबर्स वर्कर से पीटेंगे, अगर नहीं बुलवाते हैं तो ROC हमारे ऊपर फाइन लगाने वाली है, कोर्ट हमारे ऊपर फाइन लगाने वाली है, अब हमारी समस्या का समाधान कीजिए कि अब हम क्या करें। तुम बोलोगे नहीं, बीइंग ए गुड प्रोफेशनल सीधे NCLT में मत भेजो, NCLT इज द लास्ट अटेम्प्ट, लास्ट स्कोप, बताओगे अच्छी तरह बताओ, समझाओ पूरी रास्ते बताओ, तुम बताओ कि सर कानून में लिखा हुआ है कि रजिस्टर्ड ऑफिस में मीटिंग होनी चाहिए, लेकिन कानून में यह भी लिखा हुआ है कि सेम सिटी टाउन और विलेज आप कहीं भी कर सकते हैं, तो अगर वर्कर वहां पे धरना प्रदर्शन करके बैठे हैं तो आप मीटिंग कहां कर लीजिए, कहीं दूर दराज उसी शहर में कर लीजिए, यह भी चलेगा। अब तुम्हारा वो परेशान हो गया, नहीं वहां भी पहुंच जाएंगे, कोई ठीक नहीं है उनका, तब बोलो कि अब NCLT को बोलते हैं कि वो हमको दूसरे शहर में मीटिंग अटेंड कर, मीटिंग करवाने की क्या करें, परमिशन दे दें, और अगर तुम ये बोलोगे तो नेचुरली वहाँ पे अगर तुमको ये ऑर्डर मिल गया
कि मीटिंग बुलवाओ और मीटिंग तुम वही कर लेना, दूसरे शहर में कर लेना। क्या एनसीएलटी के पास ये पावर है? वो पावर बिल्कुल है कि एनसीएलटी डायरेक्शन दे सकती है, एनसीलरी कॉन्सिक्वेंटल डायरेक्शन दे सकती है कि आप मीटिंग इस शहर में ना करके आप दूसरे शहर में मीटिंग कर लो। दिस इज सच एन एनसीलरी एंड कॉन्सिक्वेंटल डायरेक्शन विच द एनसीएलटी में प्रोवाइडेड। तो एनसीएलटी हमको कोरम से छुटकारा दिलवा रही है, एनसीएलटी हमको रजिस्टर ऑफिस में मीटिंग ना करे इससे छुटकारा दिलवा रही है। कई बातें हो सकती हैं जिनसे हमको प्रॉब्लम, जिनसे हमको समस्याओं को हमारा सॉल्व कर सकती है। तुमसे पेपर में ये नहीं पूछेगा कि डिफाइन द डिस्कस द पावर ऑफ एनसीएलटी टू कॉल द एनुअल जनरल मीटिंग। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो तुम रट फट के जाओगे, पेपर में लिख के आ जाओगे। तुमसे क्वेश्चन क्या आएगा कि कंपनी दो मेंबर हैं, दोनों की डिस्प्यूट्स हैं, एक फरार है, दूसरा तुम्हारे ऑफिस में आया है, एजीएम का ड्यू डेट क्रॉस हुआ है, हो रहा है, हमें बचाइए कि हमें फाइन ना लगे, कुछ सुझाव दीजिए, कुछ आइडिया दीजिए। तब तुमको बताया करना होगा कि ये क्वेश्चन जो है ये कहां से आया है, किस सेक्शन पे ये कोरिलेट हो रहा है। और जब प्रैक्टिकली इस काम को करोगे ना, क्लाइंट ऐसी एडवाइस देने का ही 5,000 दे के जाएंगे तुम्हारी फीस, और पेपर में आंसर कर दोगे तो इंस्टीट्यूट 6 नंबर दे के जाएगा तुमको। सही है दिस वन। चलिए, मीटिंग कॉल्ड बाई एनसीएलटी। अब यहां देखना, मीटिंग अगर एनसीएलटी के डायरेक्शंस पे बुलाई गई है, द एनसीएलटी बी डीम्ड टू एनुअल, तो उस मीटिंग को भी हम क्या मानेंगे? हम उस मीटिंग को मानेंगे कि साल का जो एक एजीएम था वो कंपनी ने क्या कर लिया, कंडक्ट कर लिया। जो उस साल की एक एनुअल जनरल मीटिंग कंपनी को जो कंडक्ट करनी थी, कंपनी ने उस साल की एक एनुअल जनरल मीटिंग क्या कर ली, कंडक्ट कर ली। चलिए, दिस वन अ वेरी प्राइम फैक्टर,